अरे मैडम जी एक बाबा दादा अरे एक मिनट मैडम जी एक मिनट कर रवि दादा कर दिए हेलो हेलो रितेश व्हाट डू यू थिंक हु विल विन टुडे अरे ग्रैंड फिनाले थोड़ा पीछे मैंने बहुत फॉलो किया बिग बॉस ओटीटी और क्या सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं दे हैव वेरी एंटरटेनिंग और मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन जीतेगा सो लेट्स फिगर दैट आउट आई थिंक नहीं सभी सही जा रहे हैं सबके रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं झगड़ा हो रहा है प्यार भी हो रहा है और टास्क निभा रहे हैं कभी कभी टास्क नहीं निभा रहे तो उसके भी दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़े लेकिन वॉट वॉज फैंटास्टिक ऑन ओटीटी वॉज करण जौहर कि उन्होंने जिस तरह इस पूरे शो को संभाला है क्योंकि हम तो जानते ही है कि बिग बॉस यू नो सलमान खान सलमान भाई किस तरह करते हैं लेकिन बिग बॉस ओटीटी में अपनी एक अलग पहचान मुझे लगा कि करण जौहर ने इसमें की है मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड ऑल्सो क्या होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें लाइव दिखाना 24/7 एक नया तरीका है एंड कूडोस टू द एंटायर टीम फॉर पुलिंग दिस ऑफ आई थिंक अभी ये खत्म हो चुका है तो मतलब एक खुशी तो मैं पहले महसूस करूँ फिर दूसरी खुशी की और बोलूं आप क्या करने वाले हैं आज अंदर जाके अगर आपकी अगर बात करें काफी कलरफुल अवतार में नजर आ रहे हैं आप तो मैं क्या करूँ क्या मतलब क्या होने वाला है अभी वो देखो ना सर अभी सब इधर बताऊंगा आप विनर को थैंक यू।